मैंने पाड़ी अगली, हम कब कह रहे कि नहीं पाड़ी, बुरा हाल है, हम कब कह रहे कि नहीं है, इसलिए है, इसलिए है, इसलिए है क्योंकि उसमें पाड़ के मैं सीवर डाल रहा हूँ। एडी से लेकर चोटी तक के जितने भी टेस्ट होते हैं, जिनकी कीमत लाखों में भी होती है, हजारों में भी होती है, ऐसा लैब मैं खोतपुरा गांव के अंदर लेके आ गया हूँ। 2024 के चुनाव में वोट मांगने से पहले पहले हम वहां पर सारी टेस्टिंग रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी। और इतना बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है जिसके बारे में कभी कांग्रेसी या दूसरे लोग तो सोच भी नहीं सकते। बहुत हाईटेक स्कूल बनाना, और उन हाईटेक स्कूलों में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल नहीं होंगे। हम कह रहे हैं हम एक एक चोर को बख्शेंगे नहीं, पकड़ में आता जाएगा, हम ठोकते जाएंगे। पानीपत में आज ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और उसके बाद उन सभी समस्याओं का समाधान भी किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार द्वारा करवाए गए सभी कामों को गिनवाया। उसके बाद पत्रकारों द्वारा कई सवाल भी किए गए, जिस पर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब भी दिए। आप भी सुनिए ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने आज सभी सवालों के क्या कुछ जवाब दिए। अबे हमारे यहाँ पे सीएचसी केंद्र है खोतपुरा में, उस सीएचसी केंद्र में हिंदुस्तान का जो ऑल इंडिया एम्स हॉस्पिटल है उसकी एक लैब, जैसे हमारे अर्चना जी की लैब एक टेस्ट करते है, सारे एडी से लेकर चोटी तक के जितने भी टेस्ट होते हैं, जिनकी कीमत लाखों में भी होती है, हजारों में भी होती है, ऐसा लैब मैं खोतपुरा गांव के अंदर लेके आ गया हूं। और उसके 12.5 करोड़ रुपए डीसी साहब के पास भी पहुंच गए हैं, और पहुंच ही नहीं गए हैं, हमारे भूमि का जो ट्रांसफ़र का मामला था वो ट्रांसफ़र भी हो गई है, और कल्पना चावला यूनिवर्सिटी के अधीन उसको लेके हम लोग उसका बहुत जल्दी भूमि पूजन करके इस काम को शुरू करके 2024 के चुनाव में वोट मांगने से पहले पहले हम वहाँ पर सारी टेस्टिंग रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी। और इतना बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है जिसके बारे में कभी कांग्रेसी या दूसरे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि लाखों रुपए का टेस्ट करने वाला काम अपने यहीं पर हम लोग बहुत जल्दी उसका काम निर्माण शुरू कर देंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा, बहुत हाईटेक स्कूल बनाना, और उन हाईटेक स्कूलों में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल नहीं होंगे, ये केजरीवाल मारता रहता रुक के प्रोजेक्टर लगाकर 40,000 रुपये का कि हमने स्कूल का ये कर दिया वो कर दिया। अरे फ्लोरिंग से लेके, अरे कोई माँ बाप भी अगर घर में बैठ के क्लास लगा कर पढ़ना चाहे तो हम लोग बच्चे के साथ उसको कनेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में गया, जाने के बाद पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और पढ़ते वक्त भी वो माँ बाप ने भी कुछ पढ़ना तो वो भी पढ़ ले, टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और इतना ही नहीं, मैंने अभी 3 दिन पहले एक प्रोजेक्ट में डलवा दिया कि भाई हमारा गरीब से गरीब बच्चा है वो पढ़े तो उसको पढ़ने का माहौल मिले, और माहौल बनने के लिए टीचर को भी पढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले, इसलिए मैं एक रूम पे 65,000 रुपये खर्च आएगा, वो सौर ऊर्जा के साथ हम लोग एसी चलाएंगे और एसी से युक्त कमरा बनाएंगे ताकि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे जा रहे हैं वो जो फैसिलिटीज वहाँ भी नहीं है वो फैसिलिटीज हम लोग अपने पानीपत ग्रामीण के सरकारी स्कूल में उपलब्ध करा रहे हैं। परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोगों का ये प्रोजेक्ट पे सीएम कोड लग गया, इसके एस्टीमेट बनने शुरू हो गए, सारा काम हमारा शुरू हो गया। ऐसी दुनिया भर की और भी योजनाएं हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, कीचड़ में लोग जिंदगी जिया करते, पानी नहीं पी सकते, रोटी नहीं खा सकते, गेस्ट नहीं आते थे, लोग जब मैं बनाया कहा करते मारे तो रिश्ते वाले भी नहीं आते। आज आपकी उन्हीं गलियों में 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, और जो बात आप कह रहे हो, मैंने पाड़ी है गली, हम कब कह रहे कि नहीं पाड़ी, बुरा हाल है, हम कब कह रहे कि नहीं है, इसलिए है, इसलिए है, इसलिए है क्योंकि उसमें पाड़ के मैं सीवर डाल रहा हूँ, और जब तक मेरा काम सीवर का कंप्लीट नहीं होगा, थोड़े दिन की जो परेशानी वो होगी, डेवलपमेंट होगा तो देखिए ये चीज़ें फटेंगी भी बनेंगी भी, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ किसी ने सपने में भी नहीं सोची। अब भाई देखो, डेवलपमेंट होगा तो सीवर डलेगा तो गली तो फटेगी। अब आप नहीं ये सोचो भाई आसमान में को पिल्लर गार्डन में वो ले जाऊंगा सीवर, वो तो संभव नहीं, वो तो निश्चय को डलेगा। अभी काफी रोड पे भी इस तरह का हाल है, अभी भी बहुत सारी जगह है, देखिए सीवर डल रहा है, और सीवर डल रहा है, एसटीपी मारे बन गए हैं, जब सीवर डलेगा तो फटेगा, इसलिए मैं तो सुविधा दे रहा हूँ।
अगले 100 साल तक की गारंटी दे रहा हूँ कि 100 साल तक की ठीक व्यवस्था बने तो डेवलपमेंट होगा, पाड़ताड़ होगी। और मैं इस चीज़ से घबराता नहीं, हमने पाड़ा है तो सीवर डाल रहे हैं, सीवर डल जाएगा। जिस दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन इस इलाके में भी यही काम होगा, और वो डल रहा है, आपको भी पता है, बस आपने बोलना था इसलिए बोल दिया। डॉक्टर केसी बांगर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जेजेपी में, और उसमें जो प्रदीप चौधरी आज भी कालका के कांग्रेस के विधायक हैं, इन दो समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। अच्छा नहीं, ये काम भी तो सास पर हमारी सरकार कर सकती है ना। हम लोगों ने उसकी पैरवी करने का नतीजा ये निकला। हम कह रहे हैं हम एक एक चोर को बख्शेंगे नहीं, पकड़ में आता जाएगा, हम ठोकते जाएंगे। नगर निगम के अंदर अभी भी हमने पिछले 7-8 दिन में लगभग 3 से 4 कैंप लगाए। पहले जब हमने कैंप लगाया उसमें 900 के आसपास में हमारे पास शिकायतें आई थी। 900 शिकायतों में आप सुन के हैरानी होगी, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे। उसमें क्या कि एक आदमी ने अपना प्रॉपर्टी आईडी बनवाने जा रहा है, नंबर गलत दे रखा है, और उसमें आधार कार्ड की कॉपी किसी और की लगा रखी है। अब ये तो इस तरह की गलतियां जो मैंने अपनी बनवानी, मैंने फीड करनी है, अगर मैं ही गलत तथ्य दे रहा हूँ तो उसमें समस्या है। दूसरी एक चीज़ मैं मानता हूँ, मुझे मानने में कोई संकोच भी नहीं होता। देखो भाई, आप लोग कहते हैं कि काम नहीं करते, मुझे एक बात बताइए, अगर ये काम नहीं करते तो इतने काम जो ये मैंने इन लोगों से करवाई है ऐसे ही हो गए क्या? ऐसा नहीं है। मगर हाँ, एक चीज़ तो मैं भी मानता हूँ कि भाई जो मैन पावर है उसकी कमी है, और उस कमी के कारण भी कुछ दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये भी ठीक है कि भी कुछ लोगों ने अपने तथ्य अपनी चीज़ें वो ठीक और दुरुस्त नहीं दी, उसके कारण भी कुछ अड़चनें आई हुई हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए हमारी सरकार इस प्रकार के हर रोज़ दरबार लगा रही है। दरबार क्या बोल, क्या लगा रहे हैं? जनता दरबार, जो जनसंवाद सर, निगम लगा रहा है, कैंप लगा रहा है, और उन कैंपों में लोग जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सर, मैंने निगम से पानीपत ग्रामीण के हर डेवलपमेंट के वर्क्स को कराया है कि नहीं कराया? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी त्रुटियाँ हमारे सामने आती है हम उसको तत्काल में पूरा करते हैं, और जहाँ भी ये समस्या बड़ी विकराल रूप ले रही थी वहीं पे हमने इनको कहा कि आप कैंप लगाइए, और कैंप के जरिए आप अपनी समस्याओं का निदान कराइए, और इन कैंपों में भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, उनका निराकरण।